सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनी टेक्स एंड आइडियाज। अगर आप मेरा चैनल रेगुलरली देखते हैं तो पता ही होगा कि मैंने काफी सारी वीडियोस अमेज़न अफिलिएट मार्केटिंग पर बना रखी हैं, और उनमें से कुछ वीडियोस पर मेरे कुछ व्यूवर्स ने ये क्वेश्चन किया था कि अगर हम इंडियन अमेज़न एसोसिएट्स पर अकाउंट बनाते हैं तो वह इंडिया के बैंक डिटेल्स हम डाल सकते हैं, बट अगर हम यूएस अमेज़न एसोसिएट्स पर अकाउंट बनाते हैं तो हमें वहां इंडिया के बैंक डिटेल्स डालने का ऑप्शन नहीं है। तो उस केस में हम अपनी अर्निंग्स को विदड्रॉ कैसे कर सकते हैं अपने इंडियन बैंक अकाउंट में। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप किसी भी फॉरेन कंट्री में फ्री में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। ओके, फ्री में बैंक अकाउंट होगा वो भी मिनटों में, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है पेयोनियर। पेयोनियर की हेल्प से आप सिर्फ अपनी अमेज़न अफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग को ही इंडियन बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं कर सकते, बल्कि अगर आप किसी फॉरेन वेबसाइट्स पर काम करते हैं, किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ काम करते हैं, या फिर फ्रीलांसिंग करते हैं, या फिर किसी मोबाइल ऐप से जो कि फॉरेन की मोबाइल ऐप है उससे अर्निंग करते हैं, तो वो सारी अर्निंग्स भी आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट में पेयोनियर की हेल्प से बड़ी इजीली रिसीव कर सकते हैं। That's why I would say that with the help of Payoneer, you can work globally and still you can feel local. यहाँ आप अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स या मार्केट प्लेसेस से मल्टीपल करेंसीज में पेमेंट्स ले सकते हैं, और फिर आप अपनी अपनी टीम को पे कर सकते हैं, या फिर उन फंड्स को अपने खुद के लोकल बैंक अकाउंट जो इंडियन बैंक अकाउंट है उसमें बड़ी इजिली विदड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ आपका पैसा बहुत ही क्विकली ट्रांसफर हो जाता है आपके लोकल बैंक अकाउंट में, वो भी एक बहुत ही कम विड्रॉल फीस के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाली हूँ किस तरह पेयोनियर पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ अकाउंट क्रिएट किया जाता है, किस तरह से हम डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज में बिल्कुल फ्री में अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और किस तरह से उन बैंक अकाउंट में हम अपने क्लाइंट से, फॉरेन क्लाइंट से, या वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, अपना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बड़ा ध्यान से देखें ताकि आप अपना अकाउंट अच्छे से क्रिएट कर पाए। दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, और अगर पुराने ही सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए मैं ले जाती हूँ आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर, जहां मैंने पेयोनियर की साइट खोल रखी है। अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल में भी ये कर सकते हैं, क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप वर्जन में, और नहीं तो इसकी एप्लीकेशन भी प्रेजेंट है ऐप स्टोर पर, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। प्रोसेस मोर और लेस सिमिलर रहेगा। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, अपना रेफरल लिंक शेयर करके हम रेफरल अर्निंग कर सकते हैं। सभी फायदों के साथ साथ पेयोनियर आपके लिए एक रेफरल इनकम का भी बहुत अच्छा जरिया साबित हो सकता है। पेयोनियर की वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और यहाँ आप देख सकते हैं पेयोनियर के डिफरेंट फीचर्स हैं। लो फीस, लाइक जो ट्रांजैक्शन फीस होती है वो बहुत कम होती है, पेमेंट्स बहुत फास्ट होते हैं, जल्दी से आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट्स आ जाती हैं, और यहाँ 24/7 कस्टमर केयर सर्विस भी आपको मिल जाएगी। आगे हम देखेंगे कि यहाँ काफी फ्लेक्सिबल तरीके हैं जिनके थ्रू हम पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। आप किसी फॉरेन कंट्री के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो आप उस कंट्री में लोकल करेंसी अकाउंट्स खोल सकते हैं, आप उस बैंक के अकाउंट के थ्रू अपने क्लाइंट्स को बिल भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आप वहां पे लोकल करेंसी में ही अपने अकाउंट में पैसा रिसीव कर सकते हैं। इस तरह से पेयोनियर की हेल्प से फॉरेन करेंसी में जो पेमेंट रिसीव करने की लिमिटेशन थी, कई बार हम नहीं कर पाते थे, तो अब हम वो लिमिटेशन को ओवरकम कर सकते हैं और अपने मार्केट प्लेसेस और नेटवर्क्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। वी कैन वर्क ग्लोबली एंड ऑन एनी प्लेटफॉर्म लिटरली, तो हम वर्ल्ड में किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं और फॉरेन करेंसी में अर्निंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको यह जो अर्निंग्स रिसीव होती है वो आप पेयोनियर की हेल्प से मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने किसी एम्प्लॉय को पे कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। नेक्स्ट हम यहाँ क्लिक करेंगे साइनअप पे। साइनअप पे क्लिक करने कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होगा। यहाँ चूज करना है हमें किसी एक ऑप्शन को जो कि हमारे प्रोफेशन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। क्या हम फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन सेलर हैं, एफिलिएट मार्केटर हैं, या वेकेशन रेंटल होस्ट हैं, या फिर इंडिविजुअल हैं? तो मैं यहाँ चूज कर लूंगी ऑप्शन इंडिविजुअल। नेक्स्ट, आपको यहाँ ये बताना है कि आप ये अकाउंट एक्चुअली बनाना क्यों चाहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और मार्केट प्लेसेस, आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स और मार्केट प्लेसेस से अपना पैसा रिसीव करना है या फिर पेमेंट्स लेनी है, इसलिए बनाना चाहते हैं। दूसरा, सेंड एंड रिसीव मनी बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या आप ये ऑप्शन चूज करना चाहिए, या फिर तीसरा, ऑर्डर प्रीपेड कार्ड। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन, गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड मार्केट प्लेसेस, हम इसको चूज कर लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ आपको सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर करने पर आपको जो जो सर्विसेज मिलेगी पेयोनियर की तरफ से वो नीचे लिस्टेड है, आप चाहें तो उनको रीड कर सकते हैं, तो हम यहाँ रजिस्टर कर लेंगे।
रजिस्टर करने के बाद हमें यहाँ 4 स्टेप साइनअप प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा, उसी के बाद हमारा पूरी तरह से पेयोनीर का अकाउंट क्रिएट होगा। स्टेप इज गेटिंग स्टार्टेड और यहाँ जो फर्स्ट डिटेल है दैट इज सेलेक्ट योर टाइप ऑफ बिजनेस, तो आपको अपने बिजनेस टाइप सेलेक्ट कर लेना है। हम क्योंकि इंडिविजुअल हैं तो हम यहाँ इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे। उसके नीचे आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, री एंटर ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। तो मैं सारी डिटेल्स फिल कर लेती हूँ। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारी जो डिटेल्स है वो एज पर हमारे गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए, लाइक जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये सारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए जो आपकी किसी गवर्नमेंट आईडी में मेंशन हो। तो मैंने ये आपकी सारी डिटेल्स फिल कर ली है और अब मैं क्लिक करूंगी नेक्स्ट पर। हम पहुंच जाएंगे साइन अप की नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज कॉन्टेक्ट डिटेल्स। यहाँ हमें सबसे पहले फिल करना है कंट्री, जो कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से इजीली चूज कर सकते हैं। देन स्ट्रीट एंड नंबर, जो आपकी स्ट्रीट का नंबर हो वो आप दे सकते हैं, अपार्टमेंट का नाम हो वो दे सकते हैं। मोर एड्रेस डिटेल्स, अगर कोई और एड्रेस डिटेल्स है तो वो डाल सकते हैं। आपकी सिटी कौन सी है एंड देन पोस्टल कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको पोस्टल और जिप कोड डालना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू फिल द मोबाइल नंबर। चलिए मैं ये सारी डिटेल्स कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल कर दी है, इंक्लूडिंग फोन नंबर। फोन नंबर आप एंटर करेंगे तो उसके नीचे आपको एक फील्ड दिखेगा जहां ऑप्शन है सेंड कोड का, तो हमें इस सेंड कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सेंड कोड पर क्लिक करेंगे तो एक वेरिफिकेशन कोड का मैसेज हमें अपने मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा और वो वेरिफिकेशन कोड हमें यहाँ एंटर करना है। तो चलिए मैं वेरिफिकेशन कोड यहाँ एंटर कर देती हूँ। वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद हमें क्लिक करना है नेक्स्ट पर। हमारा सेकंड स्टेप ऑफ साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जहां पे हमको फिल करनी है सिक्योरिटी डिटेल्स। तो फर्स्ट फील्ड में आपको फिल करना है यूजर नेम, जहां आप देख सकते हैं कि जो आपने ईमेल आईडी पहले फिल किया था वो ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपको फिल करना है पासवर्ड, जो भी आप यहां पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आपको फिल करना है एंड देन उसी पासवर्ड को री एंटर करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ एंटर करना है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आप यहाँ देख सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में बहुत सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको याद रहता है वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज कर लेना है और उसका आंसर भी आपको नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ आई वुड सजेस्ट कि आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर कहीं नोट करके रख लीजिए, क्योंकि कभी अगर हम आईडी पासवर्ड भूल गए तो उस केस में ये सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहता है। मैंने ये सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लिया है और आंसर भी फिल कर दिया है। नेक्स्ट है इशूइंग कंट्री, जहां इंडिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे प्रीवियस सेक्शन में हमने इंडिया चूज कर लिया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आता है आईडी टाइप, यहाँ आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं, पैन कार्ड डिटेल्स डाल सकते हैं, पासपोर्ट या आधार नंबर, इन तीनों में से कोई भी आईडी टाइप आप ले सकते हैं, उसका जो आईडी नंबर है आपको यहाँ फिल करना होगा। मैंने यहाँ चूज कर लिया पैन कार्ड और अपना जो पैन नंबर है मैं यहाँ फिल कर दूंगी। उसके बाद हमारे पैन कार्ड पर या जो भी गवर्नमेंट आईडी आपने चूज किया है उस पर जो नेम मेंशन्ड है वो आपको यहाँ फिल करना है और उसके बाद आपको फिल करना है कैप्चा कोड, जो कि नीचे दे रखा है तो उसको अच्छे से फिल कर लेंगे। फाइनली हमें क्लिक करना है नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हम फोर्थ स्टेप ऑफ साइन अप प्रोसेस पर पहुंच जाएंगे, जहां पे हमें फिल करनी है अपनी इंडियन बैंक डिटेल्स, जिस बैंक अकाउंट में हमें यू नो पेमेंट रिसीव करनी है। बैंक डिटेल्स बड़े ध्यान से आपको भरनी है क्योंकि यहीं पे आपकी सारी अर्निंग्स रिसीव होंगी। तो यहाँ जो बैंक कंट्री वो ऑटोमेटिकली इंडिया सिलेक्टेड होगी। करेंसी आपको सेलेक्ट कर लेनी है INR। उसके बाद बैंक नेम आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिस बैंक में आपका अकाउंट हो वाला नेम, अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो आपने पहले दिया है नेम, इसलिए मैंने बोला था बहुत ध्यान से वो नेम फिल करना है, यहाँ अकाउंट होल्डर नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन आपको देना है अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड योर पैन नंबर, वो भी यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि इससे प्रीवियस सेक्शन में ऑलरेडी पैन फिल कर रखा है हमने। मैंने यहाँ अपनी सारी बैंक डिटेल्स फिल कर ली है और अब मैं टर्म्स एंड कंडीशंस वाले ये जो दो बॉक्सेस हैं इनको भी मैं चेक कर दूंगी एंड फाइनली क्लिक करूंगी सबमिट पर। तो इस तरह हमारा जो साइन अप प्रोसेस था उसका फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट होता है एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। साइन अप प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर हमें कुछ इस तरह का मैसेज रिसीव होगा, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशंस योर पेयोनीर अकाउंट एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। तो हमारी जो एप्लीकेशन थी वो सबमिट हो चुकी है, अब सेकंड स्टेप ऑफ द एप्लीकेशन में है वो, जहां पे रिव्यू करेगी जो पेयोनीर की टीम है, ओके, एंड वेरीफाई करेगी हमारी सारी डिटेल्स एंड देन अगर हमारा अकाउंट एक्सेप्ट हो जाता है तो हमें उसका मेल रिसीव हो जाएगा विद इन फ्यू बिजनेस डेज। तो ये स्क्रीन यहाँ ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स रुकेगी और फिर हम इस पेज पे माइग्रेट हो जाएंगे। जैसे ही हमारा साइन अप प्रोसेस कंप्लीट होता है और एप्लीकेशन रिव्यू में जाती है तो हमें पेयोनीर की तरफ से कुछ मेल्स रिसीव होते हैं, तो आइए मैं दिखाती हूँ किस टाइप के मेल्स हैं।
जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्स्ट मेल जो रिसीव हुआ है वो कन्फर्मेशन मेल है कि जो हमने एप्लीकेशन सबमिट की है वो एप्लीकेशन रिव्यू में जा चुकी है एंड इट विल टेक अप टू 3 बिजनेस डेज। तो यहाँ पे अप टू 3 बिजनेस डेज लगेंगे रिव्यू होने में। मेरे एक्चुअली 2 आवर्स में रिव्यू हो चुकी थी और मुझे फिर से मेल आ गया था, बट किसी किसी केस में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो मैक्सिमम टाइम है 3 बिजनेस डेज। साथ ही साथ यहाँ ये भी लिखा हुआ है, वंस अप्रूव विल सेंड यू एन ईमेल एंड यू कैन स्टार्ट रिसीविंग पेमेंट्स। तो एक बार अप्रूवल आने पर आपका ईमेल फिर से रिसीव हो जाएगा और आप अपना आगे का पेमेंट रिसीव करने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना कस्टमर आईडी भी मिल जाएगा, तो अगर आप लास्ट लाइन में देखें तो आपका कस्टमर आईडी भी यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा पेयरनेट में जो ईमेल आईडी हमने यूज किया था उस ईमेल को वेरीफाई करने का भी हमें मेल यहाँ रिसीव होगा। वेरीफाई करने के लिए जस्ट हमें वेरीफाई माई ईमेल पर क्लिक करना है और आपका ईमेल आईडी इजिली वेरीफाई हो जाएगा। As you can see on my screen, I received one more email from Payoneer. ये email मुझे इसलिए receive हुआ था क्योंकि मेरे PAN card में कुछ discrepancy थी और मुझे go to verification center, यहाँ मैं simply click करके मैंने फिर से PAN card अपना submit किया तो वो जो problem था वो solve हो चुका था। यहाँ पे आपसे एक और 10-digit import export code मांगा जाएगा। अगर आपके पास ये code है तो well and good, आप submit कर सकते हैं, और नहीं है तो don't worry about that, नहीं करना है submit, मैंने भी नहीं किया है। After all the documents are submitted and proper verification होने के बाद हमें approval का mail receive हो जाएगा। तो इसके बाद मुझे approval का mail easily receive हो गया था, जो कि आप मेरी screen पर देख सकते हैं। Finally हमारा Payoneer account create हो चुका है और अब हम तैयार हैं different clients से payment receive करने के लिए Payoneer के through। वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में हम Payoneer के थ्रू कैसे फ्री में बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। तो अब मैं ये प्रोसेस समझाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा एंड डोंट स्किप द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। यहाँ मैंने अपने Payoneer अकाउंट में फिर से लॉग इन कर लिया है। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, Payoneer का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर कंटिन्यूइंग टू योर अकाउंट प्लीज प्रोवाइड द अपडेट्स लिस्टेड बिलो। चलिए इन्हें अपडेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्लिक करेंगे अपडेट योर सिक्योरिटी सेटिंग्स। यहाँ आप देख सकते हैं आपको टोटल 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हर क्वेश्चन के सामने एक एरो है जहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, वहाँ और भी क्वेश्चंस होंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस अगर अच्छे नहीं लगते तो आप इसमें से क्वेश्चंस चेंज भी कर सकते हैं और फिर हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपको वेरीफाई करने में यूज हो सकते हैं, या फिर कभी आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसको रिकवर करने के लिए भी ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस यूज किए जाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स को कहीं पर नोट करके रख लीजिए। तो यहाँ मैं इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर्स फिर कर लेती हूँ और उसके बाद हमें क्लिक करना है चेंज पर। चेंज को अप्रूव करने के लिए हमें एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा अपने ईमेल आईडी पर, तो हमें वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे सबमिट करना है। पर मैंने वेरिफिकेशन कोड सबमिट कर दिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं जो अपडेट था वो हो चुका है। अब हम यहाँ डन पर क्लिक करेंगे और फिर से आ जाएंगे Payoneer अकाउंट के डैशबोर्ड पर। नेक्स्ट स्टेप था अपडेट योर प्रोफाइल सेटिंग्स, तो यहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे अपडेट नाउ पर। यहाँ आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ एडिशनल डिटेल सबमिट करनी है, दैट इज द पर्पस कोड। तो यहाँ पे हमें पर्पस कोड सबमिट करना है। पर्पस कोड वो कोड होता है जो हमारे बिजनेस को डिफाइन करता है कि यहाँ हम किस पर्पस से Payoneer पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में देख सकते हैं कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं और बहुत सारी कैटेगरीज के डिफरेंट डिफरेंट पर्पस कोड हैं, पर जो हमारा पर्पस कोड होगा वो होगा P1007, दैट इज एडवर्टीजिंग एंड ट्रेड फेयर सर्विसेज। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है P1007, क्लिक कर देना है सेव पर। Now as you can see it's also done, we have to click on done now। अभी हम done पे क्लिक कर देंगे और फिर से हम डैशबोर्ड पे रिटर्न हो जाएंगे। Now यहाँ पे लिखा हुआ है you are all set up, let's go। हमारा अकाउंट तैयार है डिफरेंट कंट्रीज में फ्री में बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। तो चलिए मैं वो प्रोसेस अब आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर में सेटिंग्स का ऑप्शन है, हमें ये ऑप्शन चूज करना है। देन हमें जो फर्स्ट ऑप्शन है बैंक अकाउंट्स वो चूज करना है। बैंक अकाउंट्स पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट्स फॉर विड्रॉल का ऑप्शन है, ये वो बैंक अकाउंट है जो हमने सबमिट किया है। ये हमारा इंडियन बैंक अकाउंट है जिसमें हम अपने पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं किसी भी फॉरेन वेबसाइट या फिर किसी फॉरेन क्लाइंट से, राइट। इसको क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी बैंक डिटेल्स हमने ऑलरेडी डाल रखी थी वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इसके अलावा आप अपना एक और बैंक अकाउंट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप टोटल 2 बैंक अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं और पेमेंट्स जिस भी बैंक अकाउंट में चाहे रिसीव कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट अलग से लिंक करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी डिटेल्स जो आपने पहले भरी थी वहीं से ये बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। पोर्शन ऑफ द वीडियो में हम देखते हैं कि हम किस तरह से फ्री में फॉरेन कंट्रीज में बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो या कोई सी भी फॉरेन कंट्री हो। उसके लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप रिसीव का ऑप्शन देख सकते हैं, हमें ये ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद हमें चूज करना है ग्लोबल पेमेंट सर्विस। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने और यहाँ आपको क्लिक करना है रिक्वेस्ट अकाउंट्स पर, और यहाँ आपके सामने दे रखा है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में लोकल बैंक अकाउंट ओपन करने पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आप ये चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब हमें यहाँ क्लिक करना है नेक्स्ट पर। इस पेज पर आप देख सकते हैं कुछ कंट्रीज दी हुई हैं, यूएसए, यूरोजोन, यूके, कनाडा एंड सिंगापुर। तो इसमें से जिस भी कंट्री का आपको लोकल बैंक अकाउंट ओपन करना है उस कंट्री को हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे तो बाद में एडिशनल कंट्रीज और भी ऐड कर सकते हैं, तो आप जब चाहें और एडिशनल कंट्रीज के बैंक अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे यूएस में अपना एक बैंक अकाउंट चाहिए, तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लूंगी यूएस एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ वो कंट्री आ गई है जो हमने सिलेक्ट की थी, यहाँ पे हमें क्लिक करना है सबमिट रिक्वेस्ट पर, तो हमारी रिक्वेस्ट चली जाएगी फॉर न्यू बैंक अकाउंट इन दिस पर्टिकुलर कंट्री। और यहाँ पर न्यू अकाउंट्स ओपन करने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और एक रिसीविंग अकाउंट क्वेश्चनियर है वो भी फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फिल कर लेते हैं रिसीविंग अकाउंट्स क्वेश्चनियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द कैटेगरी दैट बेस्ट डिस्क्राइब द गुड्स और सर्विसेज दैट यू विल बी गेटिंग पेड फॉर। तो यहाँ पे हम किस चीज के लिए पेमेंट लेना चाहते हैं, तो मैंने ये अकाउंट मेनली बनाया है अफिलियट मार्केटिंग के लिए, इसलिए मैं यहाँ चूज करूंगी सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उसमें से कुछ भी जो आपको सूट करता है वो चूज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट सर्विसेज डू यू प्रोवाइड, तो यहाँ पे भी आपकी सर्विस से रिलेटेड जो चीज़ हैं आप चूज कर सकते हैं। आई एम राइटिंग अदर्स हियर, तो मैंने यहाँ अदर चूज किया है। थर्ड इज ब्रीफली डिस्क्राइब योर बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल हु आर योर कस्टमर्स, व्हाट सर्विसेज और प्रोडक्ट्स डू यू प्रोवाइड। तो यहाँ आपको अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करना है कि किस कौन से कस्टमर्स के लिए आप क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ सिंपली लिख दिया है अफिलियट मार्केटिंग के लिए, उसी के लिए मैंने ये अकाउंट बनाया और मैंने ये लिख दिया है सिंपली। आप कुछ और चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज प्रोवाइड द URL टू योर बिजनेस वेबसाइट और योर ऑनलाइन स्टोर्स वेब पेज। तो कहाँ आप अफिलियट मार्केटिंग करते हैं उसकी वेबसाइट डालनी है आपको, तो मैं यहाँ सिंपली लिख दूंगी www.amazon.com। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन फिल कर लिए हैं। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कुछ टिप्स दी हुई है एक हाईलाइटेड पैराग्राफ में, तो जहाँ आप URL फिल करेंगे उससे रिलेटेड टिप्स हैं। तो अगर आपको कुछ समझना है तो ये टिप्स भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर कनेक्शन टू द वेब पेज और URL प्रोवाइडेड। ओके, तो यहाँ पे मैं अदर्स चूज कर लूंगी सिंपली, तो आप भी अदर्स चूज कर लीजिए। When you will choose others, it will again ask you explain your connection to the web page or URL provided. कि जो आपने URL provide किया है या web page का address provide किया उसके साथ आपका connection क्या है। तो मैंने यहाँ simply लिख दिया है I do affiliate marketing for the website. Okay? So ये लिख कर we have to click on submit. और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसीविंग अकाउंट क्वेश्चनियर वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें गवर्नमेंट इशूड फोटो ID सबमिट करना है, तो हम इसके सामने सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इशूड फोटो ID सबमिट करने के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी फोटो ID यहाँ पे अप्रूव होगी, राइट। तो गवर्नमेंट इशूड फोटो ID हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करे, फुल नेम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट नंबर, सब कुछ अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी वो अप्रूव हो पाएगी। नेक्स्ट है कंट्री, कंट्री ऑलरेडी इंडिया आ जाएगी क्योंकि हमने पहले सबमिट किया हुआ है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, इधर हम पैन कार्ड यूज कर सकते हैं फोटो ID की तरह और पासपोर्ट यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पैन कार्ड चूज कर लिया है, पहले भी मैंने पैन कार्ड ही चूज किया था, तो यहाँ मैंने फिर से पैन कार्ड चूज कर लिया है। ओके, और जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें आपको अपना पैन कार्ड का एक क्लियर फोटो यहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। तो हम या तो ड्रैग कर लेंगे या फिर अपलोड कर लेंगे या फोटो पैन कार्ड का, तो जो भी गवर्नमेंट ID आप चूज कर रहे हैं वो आप यहाँ अपलोड कर दीजिए और फिर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पैन कार्ड की कॉपी सबमिट हो चुकी है और इसी के साथ रिक्वेस्ट न्यू रिसीविंग अकाउंट की जो फर्स्ट स्टेप थी वो भी कम्प्लीट हो चुकी है, दैट इज प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स। और सेकेंड स्टेप में पेयोनियर की टीम हमारी सारी डिटेल्स को वेरीफाई करेगी और एक बार अप्रूव होने पर हमें मेल आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं बैक टू रिसीविंग अकाउंट्स। एक बार अप्रूव हो जाने के बाद ही हम हमारा अकाउंट खुल पाएगा और इसमें हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो मैं बैक टू रिसीविंग अकाउंट आ गई हूँ। यहाँ पे अगर आप चाहें तो स्टेटस भी चेक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन व्यू स्टेटस।
तो यहाँ मेरा यूएस का अकाउंट अप्रूव हो चुका है और मुझे पेयनीर की तरफ से मेल भी मिल चुका है कि मेरा अकाउंट अप्रूव्ड है एंड इट्स रेडी टू यूज। सो आपको लग सकते हैं 1 से 3 दिन ये अकाउंट अप्रूव होने में। तो यहाँ हम करेंगे गेट अकाउंट डिटेल्स, इस पर क्लिक करके हम अपनी अकाउंट डिटेल्स ले सकते हैं और साइन इन करके भी ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पेयनीर अकाउंट में फिर से साइन इन कर लिया है। यहाँ हमें जाना है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो थर्ड टैब है रिसीव का, उसमें और उसमें जाना है ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज में। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज में। हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे दो बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ रही है, एक तो यूके का है एंड यूएस का है। तो मैंने दोनों के लिए अप्लाई किया था तो मेरे दोनों अकाउंट्स अप्रूव हो चुके हैं। तो मेरा यूके में भी एक अकाउंट खुल चुका है और यूएस में भी अकाउंट खुल चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यूएस के अकाउंट डिटेल्स क्या क्या है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे व्यू डिटेल्स पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सारी मेरी जो यूएस का बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल बैंक नेम इज देयर, ठीक है, राउटिंग और एबीएन नंबर। जैसे हम आईएफएससी कोड यूज करते हैं अपने इंडियन बैंक अकाउंट्स में, उसी तरह यह राउटिंग और एबीए नंबर होता है, ठीक है। तो ये है मेरा राउटिंग और एबीए नंबर। देन माय अकाउंट नंबर इज गिवन, देन अकाउंट टाइप इज गिवन, बेनिफिशियरी नेम आ गया है और बैंक का एड्रेस आ गया है। तो ये सारी डिटेल्स मेरे पास यहाँ आ चुकी है। अगर मैं अब किसी फॉरेन क्लाइंट के लिए फ्रीलांसिंग करती हूँ या किसी फॉरेन वेबसाइट पे काम करती हूँ, एप्लीकेशन पे काम करती हूँ, तो मैं ये बैंक डिटेल्स यूज कर सकती हूँ और अपनी पेमेंट ले सकती हूँ, ठीक है। उसी तरह जो लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अगर मैं यूएस अमेजन एसोसिएट्स का अकाउंट बनाती हूँ तो मैं यूएस के बैंक अकाउंट की डिटेल्स इजीली यहाँ से ले सकती हूँ, वहां सबमिट कर सकती हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पेयनीर से किस तरह से यूएस बैंक अकाउंट डिटेल्स हम अपनी अमेजन एसोसिएट्स यूएस की वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं। तो प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो जहां पे आपका वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप जो भी फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं उसके बैंक अकाउंट यहां पे ओपन कर सकते हैं और सारी डिटेल्स यहां से फेच कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैंने एक और चीज बताई थी कि आप यहां से रेफरल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो पेयनीर से आप सिर्फ फ्री में बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते बल्कि आप यहां से ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं थ्रू रेफरल्स, ओके। तो उसको चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमें जाना है एक्टिविटी में, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही जाना है, सेकंड टैब में, और लास्ट ऑप्शन को क्लिक करना है रेफर अ फ्रेंड। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अर्न $25 व्हेन यू रेफर फ्रेंड टू पेयनीर, ठीक है। ये वाला जो लिंक है वो रेफरल लिंक है मेरा, तो मैं इसको कॉपी करूंगी और इसको मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और जो कोई भी है उन सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। और अगर वो मेरे इस लिंक के थ्रू साइन अप करते हैं तो मुझे $25 मिलेंगे और जिसने साइन अप किया है उसे भी $25 का रिवॉर्ड मिलेगा। बट उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि आफ्टर योर फ्रेंड साइन अप्स एंड रिसीव्स अ टोटल ऑफ $1000 यू बोथ अर्न $25 रिवॉर्ड, ओके। तो जैसे ही हमारे लिंक के थ्रू हमारा फ्रेंड साइन अप करेगा, राइट, और उसे $1000 कहीं से यू नो इनकम होती है या पेमेंट आता है, उसके खुद के बैंक अकाउंट से ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, किसी और जिसके लिए वो फ्रीलांसिंग कर रहा है या काम कर रहा है उस फॉरेन क्लाइंट के थ्रू अगर उसे पेमेंट आता है, जैसे ही $1000 उसका पेमेंट कंप्लीट होगा हमें $25 मिलेंगे और हमारे फ्रेंड को भी $25 एडिशनल रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये है इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो बोर्ड एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं फॉरेन क्लाइंट्स और वेबसाइट्स के लिए, तो फिर आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हैं। पेयनीर का अकाउंट बहुत अच्छा अकाउंट है जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो उनको रिकमेंड कीजिए और शेयर कीजिए और खुद भी अर्निंग कीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेयनीर। यहाँ पे मैंने आपको आज की वीडियो में बताया कि किस तरह से साइन अप करना है, किस तरह से हम लोग फॉरेन कंट्रीज में फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और किस तरह उन अकाउंट डिटेल्स को यूज कर सकते हैं कहीं से भी पेमेंट जनरेट करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि उन सब लोगों तक पहुंच पाए जिनको इस वीडियो की जरूरत है, ओके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन। अगर आप सिर्फ मेरी वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको सिर्फ क्लिक करना होगा बट मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।